नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा जिले के गांव मैनाखेड़ा, चौबुर्जा व अरनिया वाली क्षेत्र में पहुंची। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को नैनो यूरिया देगी। कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिरसा में 7,000 एकड़ नैनो यूरिया का छिड़काव के लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नायर सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। संत बाबा भूमन शाह जी महाराज हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में व्यतीत किया है। बाबा भूमन शाह डेरे में आयोजित 276वें महान परिनिर्वाण दिवस में श्रद्धालुओं के बीच में प्रवचन देते हुए गद्दीनशीन ब्रह्मदास जी महाराज ने श्रद्धालुओं से कहे। विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा शुक्रवार को गांव चौबर्जा में पहुंची और चौबर्जा के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया और मुख्य अतिथि के रूप पर मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह दिनतानिया ने शिरकत की। द सिरसा स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल की निर्देशिका व प्रिंसिपल मनीषा गोदारा द्वारा किया गया।